सुबह सुबह रेडी होना हो और टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे एक ये फाउंडेशन सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज आई लिटरली अप्लाई लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन, मुझे अच्छा लगता है बस इसलिए। एंड दिस इज माइका स्किन जीनियस स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, दिस इज द वन एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। अभी जो मेरे पास शेड है वो है 02 एलन बेज, पर बेसिकली मेरा शेड है 03। पर इसकी जो खासियत है ना कि ये आपके स्किन पर लगाने के बाद इफ़ यू जस्ट लीव इट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ये अपने आप आपकी स्किन टोन के अडाप्ट हो जाता है, तो इतना फ़र्क पता नहीं चलता। एंड अब ये ख़त्म हो चुका है लाइक लिटरली। तो अगर आप भी कोई फाउंडेशन ढूंढ रहे हो वहाँ निकल अपने डेली यूज़ के लिए, तो ये परफेक्ट है। ओ शिट, ज़्यादा बाहर आ गया। कोई नहीं, ये ज़्यादा बाहर आ गया, पर मुझे लिटरली इसका हाफ अमाउंट लगता है अपने पूरे फेस पे लगाने के लिए, और ये अच्छे से स्टे करता है इनफैक्ट पूरे दिन के लिए, तो काफ़ी अच्छा स्टिंग पावर है इसका, बहुत ही अमेजिंगली नो सीमलेस फिनिश देता है, ज़्यादा हेवी नहीं लगता, तो बहुत अमेजिंग फाउंडेशन है। अगर आप अपने लिए कोई स्किन डेली यूज़ के लिए फाउंडेशन कोई सर्च कर रहे हो, प्लीज़ डेफिनेट ट्राई दिस वन। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये हर स्किन टाइप के लिए, लाइक आई हैव वेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, पर ये मेरी स्किन पे भी बहुत अच्छे से सूट करता है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। इफ यू पर्सन हैव ऑयली स्किन एक्ने प्रोन स्किन, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन फॉर योर डेली यूज एंड दिस इज ब्यूटिफुल।